अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते होंगे तो ज़रूर जीरा राइस के साथ दाल फ्राई ऑर्डर करते होंगे। वही दाल फ्राई की रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा अच्छी ही बनेगी। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं कैसे बनती है रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। तो देखिए, दाल तड़का बनाने के लिए या दाल फ्राई आप कह सकते हैं, जब भी आप होटल वगैरह में रेस्टोरेंट में जाते होंगे और आपको कुछ सादा खाने का की इच्छा होती होगी, तो आप जीरा राइस और दाल तड़का ही ऑर्डर करते हैं। तो आप इसे दाल फ्राई भी कह सकते हैं, दाल तड़का भी। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप अरहर की दाल और इसे मैंने आधे घंटे भिंगो कर रखा था। तो देख सकते हैं दाल थोड़ी फूल कर बड़ी हो गई है। तो कुकर हमने गैस पर रख दी है और इसमें हम डाल देंगे इस दाल को। मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तब हम इसे आधे घंटे के लिए हमने भिंगोया था, तो उसमें दाल को पहले मैं डाल देती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने दाल डाल दिया। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। बस दाल जितनी है हमारी उससे थोड़ी सी इतनी ऊँची हमारी पानी रहनी चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी। हल्दी मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून, और इसे इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं हल्दी और नमक को, और ढक्कन लगाकर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। तो देखिए 2 सीटी आने तक हमने दाल को पका लिया है और गैस निकल गई। उसके बाद मैं आपको इसे चेक कर लेती हूँ। गैस निकलने के बाद, मतलब कुकर ठंडी होने के बाद ही हमें इसे देखना है पूरी अच्छी तरह से गैस निकल जाए। तो देखिए दाल हमारी अच्छी पक गई है, आप देख सकते हैं। बस इतना ही हमें पकाना है दाल को। तो चलिए अब हम इसे तड़का लगाएंगे या दाल फ्राई कह लीजिए। तो उसके लिए मैं क्या क्या सामग्री ली हूँ आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, और दाल का तड़का घी में या तेल में किसी भी तरह से आप जो भी आपको पसंद हो उसमें आप तड़का लगा सकते हैं, लेकिन घी में लगाने से तड़का थोड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी मैं घी का यूज़ यहाँ पर कर रही हूँ और थोड़ी सी ऑयल डालूँगी इसमें। लगभग 1 टीस्पून मैं घी डाल रही हूँ। तो देखिए हमने 1 टीस्पून घी और 1 टीस्पून ऑयल डाला है। इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग। तड़के में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 2 साबुत लाल मिर्च और यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा। तो देखिए जीरा मिर्च वगैरह हमारा क्रैकर हो चुका है। इसमें हमने यहाँ पर थोड़ी सी 1 इंच अदरक का टुकड़ा को बारीक चॉप कर लिया है। 5 कली लहसुन को बारीक चॉप कर लिया, डाल देते हैं। और 1 प्याज, छोटे साइज के प्याज को हमने इस तरह से चौकोर टुकड़ों में कट किया है, इसे डाल देंगे। और यहाँ पर हमने लिया है 1 टमाटर और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, इसे मैं बाद में ऐड करूँगी। पहले ये लहसुन अदरक और प्याज को हम इसका कच्चापन खत्म होने तक भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्याज अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर, और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी नमक, ऐसे आप हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा, क्योंकि दाल को उबालते वक्त भी हमने नमक ऐड किया था। तो थोड़ी सी नमक ऐड करें ताकि टमाटर जो है हमारी जल्दी से पक जाए। तो टमाटर पकने देते हैं टमाटर को। तो देखिए यहाँ टमाटर सॉफ्ट हो गई। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। रेस्टोरेंट वाले ढाबा वाले तड़के में डालते हैं, इसलिए मैं भी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये तड़का हमारा रेडी हो गया है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती मैं इस स्टेज पर डाल दे रही हूँ।
और अब हम क्या करेंगे, ये जो दाल हमने उबाल कर रखी है इसे हम डालेंगे तड़के में। तो देखिए यहाँ पर कश्मीरी मिर्च से हमारे दाल में काफ़ी अच्छी कलर आ गई है, आप देख सकते हैं। और ये दाल तड़का हमारा बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बन गई है। ये दाल तड़का हमारा रेडी हो गया है। ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती मैं और ऐड कर देती हूँ इसमें, और एक से दो मिनट हम इसे पका लेते हैं साथ में तड़के के साथ, उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ दाल हमारी पक गई है, गैस को हमने ऑफ कर दिया है, और चलिए अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून घी को गर्म कर लिया, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, और थोड़ी सी हम डाल देंगे यहाँ पर धनिया की पत्ती, देख सकते हैं आप। तो देखिए ये घी वाले तड़के को हम ऊपर से इस तरह से डालकर सर्व करेंगे। तो ये आप चाहे तो इसमें भी आप कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही ऐड कर दिया इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और ऊपर से थोड़ी सी मैं धनिया की पत्ती इस तरह से डाल देती हूँ। और ये हमारी दाल तड़का बनकर रेडी हो गया है गर्मा गर्म। तो एक बार फ्रेंड्स इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, जीरा राइस के साथ खाइए, प्लेन दाल चावल के साथ खाइए, या रोटी के साथ खाइए। ये तुअर दाल तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपकी मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आपने बनाई तो कैसी बनी। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।